अगला जो नाम है दीपक बिरुआ का सदन में, जी दीपक दीपक बिरुआ भी कितने बिरुआ बड़े चर्चे में। वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में इनके सामने जो गीता बलमुचू है, तो और ये एसटी के लिए रिजर्व सीट है, ये तो सभी को मालूम ही है। तो अगर हम बात करें चाईबासा विधानसभा, चाईबासा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीपक वो गीता बलमुचू है, और हम बात करें कि दीपक बिरुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, वो ताल ठोक रहे हैं। तो जो चाईबासा सीट है वो काफी स्पेशल हो जाती है। अगर चाईबासा सीट पे हम इतिहास में नजर करें तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2005 में इस सीट को रिटेन कर पाई थी। इसके बाद आप देखेंगे कि लगातार जिस प्रकार से आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, जो मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से जो उन्होंने ग्लैमर झोंकने का काम किया विधानसभा चुनाव में, लोगों के सामने ग्लैमर, और उनकी सभाओं में बहुत भीड़ जुटी थी। आप देखेंगे कि उन्होंने जो घाट सेला, जो अभी हम बात कर रहे थे, बाबूलाल सोरेन की सीट है, जहां जो चंपई सोरेन के बेटे हैं वो अपनी जो राजनीतिक विरासत है बचाने की लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो मिथुन चक्रवर्ती हैं उनके क्षेत्र में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, काफी भीड़ लगी थी, लोग उनकी झलक पाने के लिए बेताब थे। तो क्या उस भीड़ का नतीजा, क्या वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी, ये तो देखने वाली बात ही होगी। लेकिन जो चाईबासा की हम बात कर रहे हैं, चाईबासा में जिस प्रकार से अभी गीता बलमुचू और हम दीपक बरुआ दोनों के बीच में जो चुनाव, दीपक बरुआ की अगर हम बात करें, वो वर्तमान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लगातार 2009 से 19 तक चुनाव जीतते आ रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए खेमे की बात करें, पूरी जान झोंक दिए, पूरी ताकत लगा दी है सीट में उनके गढ़ को ध्वस्त करने के लिए। आप थोड़ा सा अगर नजर डालें 2019 में जो चुनाव हुआ था यहाँ पे, इनको 69,485 वोट्स के साथ में 50.37% वोट शेयर इनको मिला था, और ये विधायक बने थे। तो लगातार 2009 से बहुत बड़ा और चेहरा है अपने सतेंद्र, क्षेत्र। जी सतेंद्र मैं बिल्कुल, और एक चीज और मैं यहाँ पर कहूंगा कि दर्शकों को थोड़ा सा अंतर का भी बताने की जरूरत है कि जो दीपक बिरुआ है ये कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं झारखंड की दृष्टि से, ये बड़े नेता हो जाते हैं झारखंड की दृष्टि से। और कहीं ना कहीं क्योंकि जो अंतर यहाँ पर अगर देखा जाए, आप इससे पहले जो जो चुनाव हुए हैं इस सीट पर चाईबासा में, वहां पर आप दीपक बिरुआ जब से चुनावी मैदान में आए 2009 से, तब से आप इनका अंतर देखे, बीजेपी इनके इर्द गिर्द भी नहीं ज्यादा ना पाई है कहीं ना कहीं बीजेपी। बिल्कुल जी भरत, जी सर, बिल्कुल, ये रिटेन करने में या मेंटेन करने में अपनी सीट कामयाब रहे हैं, और ऐसा लग रहा है आप जिस प्रकार से देखेंगे समीकरण। लेकिन यही एक कारण है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है गीता बलमुचू को, इनके सामने वो काफी सोच समझ के उतारा है, लेकिन ये बड़े चेहरा माने जाते हैं अपने क्षेत्र की, अपने विधानसभा की, जो लोगों के बीच में इनकी पकड़, जो जमीनी स्तर पर इनकी पकड़ है वो काफी मजबूत है। और ऐसा लग रहा है भरत कि जो ये मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं इस विधानसभा से, और यहाँ पे भी जो जेएमएम प्लस है वो मजबूत स्थिति में दिख रही है चाईबासा में, जो कि पश्चिमी सिंहभूमि में आता है। तो यहां से बिल्कुल दर्शकों हम बता दें कि जो दीपक बिरुआ वर्तमान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो काफी लंबी है, बहुत ज्यादा यहाँ से जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, वो मैदान पे है, काफी निर्दलीय है। लेकिन जो सीधा चुनाव हो रहा है, हम डायरेक्ट चुनाव की बात करें, वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जेएमएम, यहाँ पे प्रतिद्वंदिता देखने को मिलेगी आफ्टर इन ऑल। यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा की हम बात करें, जो कैंडिडेट है दीपक बिरुआ वर्तमान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनकी तरफ जो वोटर्स का झुकाव वो ज्यादा दिख रहा है, वो मजबूत स्थिति में लग रहे हैं।